أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه سيدنا ومولانا محمد وسلم وسلم. मैं अपने नाज़रीन को 72 न्यूज़ चैनल के पसंदीदा प्रोग्राम अपने हिस्से की शमा में आज के आने वाले मुअज़्ज़ज़ मेहमान गिरामी का तआरुफ़ पेश करता हूँ। आज हमारे मेहमान हैं जनाब सैयद असजद शाह साहब कासमी, जो ख़तीब हैं जामिया मस्जिद माई साहबा बिकी शरीफ, और सजादा नशीन हैं खानकाह काज़मिया चिश्तिया कादरिया बिकी शरीफ से, और इदारा तालीमात इस्लामिया रावलपिंडी से वो फारग तहसील हैं। हमारे दूसरे मेहमान हैं जनाब मुफ्ती मेहताब हुसैन साहब जलाली, जो मुदरस हैं जामिया हनफिया जलालिया अली अल मुर्तज़ा जलियांवाला शरीफ में, और तंजीम अल मदारस अहले सुन्नत डिस्ट्रिक्ट मंडी बहाउद्दीन के वो कोऑर्डिनेटर की जिम्मेदारी भी अदा कर रहे हैं। और हमारे साथ तीसरे मेहमान हैं जनाब हाफिज़ अब्दुर्रहमान जलाली साहब। मैं अपने तीनों मेहमानों को 72 न्यूज़ के मुतबर प्रोग्राम अपने हिस्से की शमा में वेलकम करता हूँ, और अपने प्रोग्राम का आगाज मैं जनाब असजद शाह साहब से करूँगा। जनाब साहबजादा असजद शाह साहब, आप आज के इस प्रोग्राम में उशर जो है उसकी शरी हैसियत के बारे में हमें बयान करेंगे कि उशर जो है उसको कुरान और सुन्नत के एतबार से क्या मर्तबा हासिल है और उसकी क्या फजीलत है। जनाब असजद हुसैन शाह साहब स्वागत। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सैयदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व असहाबिका या सैयदी या कायदुल कुल्ल मुतजलील। बाद हम्द व सलाम 72 न्यूज़ की पूरी टीम का मशकूर और ममनून हूँ कि जो मुझ जैसे कम इल्म शख्स और इंसामे शख्स को अपने प्रोग्राम में शामिल करते हैं, तो अल्लाह आपको जज़ाए खैर अता फरमाए। आपने जो सवाल पूछा कि उशर क्या है, उशर के ज़िमन में कुरान हदीस और फ़क़ाहत इस्लामिया के क्या रोशन दलाइल हैं, उसके मुतालिक मैं अर्ज़ करने से पहले सिर्फ ये कहता चलूँ कि उशर कहते किसे हैं, ये एक सवाल बनता है। उशर होता क्या है, उशर कहते किसे हैं, उशर की तारीख क्या है। उशर कहते हैं कि ज़मीनी पैदावार में से दसवां हिस्सा अल्लाह और उसके रसूल के इताअत और हुक्म पर गुरबाओं मसाकीन को तकसीम करना। उशर के लगवी और इस्तलाही मानी है ज़मीनी पैदावार में से दसवां हिस्सा अल्लाह रसूल का हुक्म मानते हुए इत्तबाए इस्लाम करते हुए गुरबाओं मसाकीन को देना, ये उशर कहलाता है। जब हम ये देखते हैं उशर, तो बाद लोग इसके ऊपर सवाल करते हैं कि इसकी फर्जियत कैसे है, ये कहाँ से साबित है। तो कुरान मजीद फुरकान हमीद किताब अल-अराब के जुमले हैं सूरतुल बकरा में, कुरान मजीद फुरकान हमीद इरशाद फरमाता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू अन्फिकू मिनत्तय्यिबात मिम्मा कसबतुम वमिम्मा अख्रजना लकुम मिनल अर्ज़। ऐ ईमान वालो, अल्लाह की राह में पाकीज़ा साफ सुथरी चीज़ें खर्च करो जो उसने तुम्हें ज़मीन से अता की हैं, जो उसने तुम्हारे लिए ज़मीन से पैदा की हैं, उसमें से अल्लाह और उसके रसूल का हुक्म मानते हुए अदा करो, अता करो दो अल्लाह की राह। इसी के साथ सूरह अनाम की उशर के मौजू पर फर्जियत का दर्जा रखती है। सूरह अनाम इरशाद फरमाती है, वातू हक्का यौम हसादिही, और जब तुम फसलें अपनी काट लो या फसलों से पैदावार जब तुम हासिल कर सको तो उनका हिस्सा अदा करो, तो उनका हक अदा करो। उशर अल्लाह उसका रसूल अल्लाह उसके रसूल का हुक्म है, और इसके ऊपर हमारे यहाँ उसूलिय्यीन मुफ्ती जलाली साहब समात फरमा रहे हैं, हमारे दीगर रुकन समात फरमा रहे हैं। तो इसके नज़दीक उसूलिय्यीन ने जो उसूल अदा किया है तो उशर से साबित है। सबसे पहले कुरान की आयात से उशर फर्ज है, हदीस रसूल से उशर फर्ज है, अजमाए उम्मत से उशर फर्ज है, और मुजतहिदीन
کے قیاس سے بھی یہ عشر کی جو فرضیت ہے وہ لازم آتی ہے، وہ فرض ہے۔ عشر ہم نے ادا کرنا ہے زمینی پیداوار میں سے دسواں حصہ، اس کی تقسیم جان کائنات فخر سو جان جناب ختم مرتبت مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بھی ارشاد فرمائی ہے۔ جان کائنات نے زمین کی تقسیم دو حصوں میں فرمائی، دو حصوں میں زمین کی تقسیم کی۔ پہلا حصہ زمین کا وہ ہے جو بارانی زمین کہلاتی ہے، جس میں بارش کا نزول ہوتا ہے، جہاں بارش کی پانی سے زمین سیراب ہوتی ہے، اس کا حکم الگ ہے، اور جو اپنی مدد کے تحت کسی کنویں سے پانی دیا جاتا ہے، ٹیوب ویل سے پانی دیا جاتا ہے، کوئی کاریز وغیرہ بنا کر کے پانی تک پہنچایا جاتا ہے، تو اس کا حکم جو ہے وہ الگ ہے۔ اگر ایسی زمین ہے جو بارانی ہو، جو بارش سے سیراب ہوتی ہے، اس میں سے دسواں حصہ جو ہے وہ غربا و مساکین کا حق ہے، اور اگر ایسی زمین ہے جو آپ اپنی مدد حق کے تحت یا کنویں سے نکالتے ہیں پانی، اس کو سیراب کرتے ہیں، ٹیوب ویل سے نکالتے ہیں اس کو سیراب کرتے ہیں، کسی کا ریس سے اس کو سیراب کرتے ہیں، تو اس کا بیسواں حصہ اللہ اور اس کے رسول کا حکم مانتے ہوئے ہم نے ادا کرنا ہے۔ یہ زمین کی دو قسمیں ہیں، یہ عشر کے دو تقسیم ہیں جو جان کائنات فخر سو جان صلی اللہ تعالی علیہ وسلم خود بیان فرمائے۔ بہت مہربانی، شکریہ میں اگر بتا دیں کہ جس طرح زکات کے مصارفین ہیں، کیا عشر کے مصارفین وہی ہیں یا ان میں کوئی اختلاف ہے یا کوئی فرق ہے؟ عشر جو ہے وہ کس مد میں استعمال کیا جا سکتا ہے؟ بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، مباد حمد و صلات کے بعد 72 نیوز کی جملہ کابینہ کو میں سعادت مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ جنہوں نے عشر اور زکوٰۃ جیسے مسائل کو معاشرے کے سامنے لانے کی سعی کرنے کی۔ اللہ کے حضور دعا کرتا ہوں کہ اللہ وحدہ لا شریک اس کا کامل اجر 72 نیوز کی جملہ کابینہ کو عطا فرمائے۔ قابل قدر سامعین، عزت معاب محترم جناب قادری صاحب دامت برکات القدسیہ، آپ کا تہ دل سے مشکور ہوں کہ آپ نے مدعو فرمایا، اور جتنے بھی احباب میرے ساتھ موجود ہیں، احباب عشر یہ تمام مستحقین اور مصارفین جو زکوٰۃ کے بیان کیے گئے ہیں ان تمام کو ادا کیا جا سکتا ہے جو زکوٰۃ کے مصارف اللہ وحدہ لا شریک نے قرآن پاک کے اندر ارشاد فرمایا کہ انما الصدقات للفقراء والمساکین والعاملین علیہا والمؤلفۃ قلوبهم وفی الرقاب والغارمین وفی سبیل اللہ وابن السبیل۔ تو یہ جتنے بھی مصارفین اللہ وحدہ لا شریک نے زکوٰۃ کے لیے بیان فرمائے ہیں، ان تمام مصارفین کو عشر بھی دیا جا سکتا ہے۔ اور غیر مستحقین کے اندر جن لوگوں کو زکات، ان لوگوں کو عشر بھی نہیں دیا جا سکتا۔ مثلا ان کے اندر ماں باپ آ جاتے ہیں، دادا دادی آ جاتے ہیں، نانا نانی، اسی طرح بیٹا بیٹی، پوتا پوتی، نواسا نواسی، یہ تمام وہ احباب ہیں کہ جن کو زکات کا مال نہیں دیا جا سکتا۔ تو جب زکات کا مال نہیں دیا جا سکتا تو ان تمام احباب کو عشر بھی نہیں دیا جا سکتا، اور کسی کافر و مرتد یا بد مذہب کو عشر و زکوٰۃ کا مال دینا یہ بھی جائز نہیں ہے۔ تو جو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر احکامات بیان فرمائے ہیں کہ فقراء کے اعتبار سے بھی عشر کی تقسیم کی جائے اور زکوٰۃ کی، اسی طرح فقیر ہو، مسکین ہو اور عامل ہو، عامل سے مراد وہ احباب ہیں جس طرح کے بادشاہ اسلام نے زکوٰۃ اور عشر وصول کرنے کے لیے جس کو مقرر کیا ہو ایسے کام کے لیے کہ اسے اتنا دیا جائے گا، اس کے مددگاروں کو متوسط طور پر کافی ہو، یا اس اعتبار سے جس کو بادشاہ اسلام نے مقرر کیا ہو، ان تمام کو دیا جا سکتا ہے۔ اسی طرح رقاب
ये वो मुकातब गुलाम है कि जिसको मुकातब बना लिया गया हो इसको भी माल ज़कात बदले किताबत अदा करना जायज़ है। इसी तरह गारिम यानी कि मकरूज को भी ज़कात अदा की जा सकती है। जब ज़कात अदा की जा सकती है तो उशर भी अदा किया जा सकता है। फी सबीलिल्लाह, ये तो बहुत ही आसान तरीका है कि अल्लाह के रस्ते में खर्च करना, अल्लाह के रस्ते में उशर देना। जिस तरह के आजकल मदारस को दिया जाता है उशर, मदारस के तुलबा को, जिसके अंदर हर तबका के तुलबा जो है इल्मे दीन की दौलत हासिल करते हैं, तो ये सबसे बेहतरीन और असहल तरीका यही है कि उशर की और ज़कात की अदायगी अगर किसी बंदे ने करनी हो तो वो मदारस के अंदर की जा सकती है। इसी तरह इब्न सबील जो हैं, यानी कि वो मुसाफिर जो अपने पास माल नहीं रखते, अगर कोई बंदा उनको ज़कात या उशर दे देता है तो उसका ये भी हदिया, उसका ये ज़कात अदा करना और उशर अदा करना ये भी अदा हो जाएगा। तो ज़कात और मसाइल उशर के एतबार से कुछ थोड़ा सा फ़र्क है कि उशर अगर ये ना भी हो तब भी अदा कर दिया जाए तो वो अदा हो जाता है, लेकिन ज़कात के अंदर नियत जो है ये फ़र्ज है। जब तक जैसे कोई बंदा ये कह देता है कि मैंने इतने पैसे जो हैं ये दे दिए हैं और देने के वक्त उसकी ज़कात की नियत नहीं थी तो अब वो उसका सदका और खैरात ही होगा, उसकी ज़कात तसव्वुर नहीं की जाएगी। ज़कात उस सूरत में उसकी तसव्वुर की जाएगी कि जब वो पहले नियत करके ये कहे कि मैं ये इतनी रकम, इतने पैसे, इतने दौलत जो है ये मैं ज़कात के तौर पर दे रहा हूँ। तो आयात बय्यिनात की रोशनी के अंदर ये पता चला कि इन्नम सदकातु लिलफुकराए वल मसाकीन वल आमिलीन अलैहा वल मुअल्लफाति कुलूबुहुम व फिर रिकाब वल गारिमीन फी सबीलिल्लाह व इब्न सबील, इन तमाम अहबाब के लिए ये ज़कात इनको दी जा सकती है। तो जब इनको ज़कात दी जा सकती है तो इनको कुछ भी दिया जा सकता है। तो आज मैं ये समझता हूँ कि हम सब की खुशकिस्मती है कि हम तीनों के दरमियान एक चौथे साहब हाफिज़ अब्दुर्रहमान साहब बहुत अच्छे नाम खान हैं, तो वो कई नेशनल चैनल्स पर भी अपने नाम पेश कर चुके हैं। तो आज 72 यू की तरफ से मैं उनसे रिक्वेस्ट करूँगा कि आज हमारे इस प्रोग्राम में आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बतों को बिखेरने के लिए वो हमें चंद अशआर पहले नात के सुनाएं, फिर इंशाल्लाह उनको सवाल और जवाब के पैनल में भी शुरू करेंगे। तो सबसे पहले मैं रिक्वेस्ट करूंगा हाफिज़ अब्दुर्रहमान जिलानी साहब, आप हमें दो चार इशारे जो हैं वो नात के बाद। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह। सबसे पहले मैं तमाम 72 न्यूज़ की तमाम जो ये टीम है उनको इस कार खैर पर मुबारकबाद पेश करता हूँ। अल्लाह पाक आप सब की इस मेहनत कवश को अपनी बारगाह में कबूल मंजूर फरमाए। चंद अशआर नाज शरीफ के मैं कलाम सैयद नसीरुद्दीन नसीर शाह साहब आपका कलाम है पेश करने की कोशिश करूँगा। मेरी जिंदगी का तुझसे ये निजाम चल रहा है, मेरी जिंदगी का तुझसे, मेरी जिंदगी का तुझसे ये निजाम चल रहा है, तेरा आस्ता सलामत मेरा काम चल रहा है, तेरा आस्ता सलामत मेरा काम चल रहा है, मेरी जिंदगी का तुझसे और मेरे दिल की धड़कनों में तेरा नाम ही बसा है, और इस नाम की बदौलत मेरा नाम चल रहा है, मेरे आका इसी नाम
की बदौलत, ये नाम कोई काम बिगड़ने नहीं देता, ये नाम कोई काम बिगड़ने नहीं देता, बिगड़े भी बना देता है, बस नाम मोहम्मद इसी नाम की बदौलत। और हुजूर ने, हुजूर की जात ने हमको क्या बराबरी के बारे में दर्श दिया है वो मैं पेश कर रहा हूँ कि वो बराबरी का तूने दिया दर्श आदमी को, वो बराबरी का तूने दिया दर्श आदमी को के गुलाम नाका पर गए, नाका अरब में कुंडली का नाम है, के गुलाम नाका पर गए तो इमाम चल रहा है, मेरी जिंदगी का तुझसे। और इस कलाम का मक्ता पेश कर रहा हूँ कि कड़ी धूप के सफर में नहीं कुछ नसीर को गम, कड़ी धूप के सफर में नहीं कुछ नसीर को गम, क्योंकि तेरे साया करम में ये गुलाम चल रहा है, तेरे साया करम में ये गुलाम चल रहा है, मेरी जिंदगी का तुझसे। चलता हूँ जनाब साहबदादा सैयद अर्शद शाह साहब के पास और उनसे दरख्वास्त करूंगा। शाह साहब आपने बड़े वाज़ेह अंदाज में कुरान पाक की आयत मुकद्दसा से हदीस से नबी और अहम मुजतहदीन के हवाले से ये बताया है कि उशर जो है ये फर्ज है। उशर फर्ज होने के बावजूद हमारे कल्चर या सकाफत में इसकी अदायगी की तरफ इतनी तवज्जो नहीं दी जाती, इतना ध्यान नहीं दिया जाता, तो जो लोग उशर का निसाब होने के बावजूद उसको अदा नहीं कर रहे उनके ऊपर क्या गिरफ्त है और अल्लाह ताला और उसके बारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इस बारे में क्या फरमाते हैं? जी एक मतलब फिर से शुक्रिया जावेद गोंदलकारी साहब आपका। सबसे पहले मैं अर्ज करता चलूं जैसा कि मुफ्ती साहब भी समाअत फरमा रहे हैं और एक अहबाब इल्म भी समाअत फरमा रहे हैं, हमारे यहाँ एक मुतफिक का उसूल है जो आइमाए मुज्तहिदीन और आइमाए फिक आइमाए हदीस और उसूलीन ने वज़ा किया है, वो ये है कि कोई बंदा भी कुरान की नस्से कतई या हदीस से पैगंबर मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम या इजमाए उम्मत का अगर मुनकिर हो जाए तो उसके मुतलबात फरमी मौजूद हैं कि उसको कुफर तक गर्दाना जाता है। जो बंदा कुरान की नस्सों से कतई और फरमी रिसालत इमाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तस्लीम नहीं करता या उन पर हुक्म बजा नहीं करता उसके ऊपर आइमाए फुकहा ने दो तरह के बाब बांधे। पहला बंदा तो वो है जो इन अहकाम को सिरे से तस्लीम ही नहीं करता, ये भी नहीं ऐसा कोई हुक्म नहीं है, ये ज़कात हुक्म ही कोई नहीं है, ये उशर हुक्म ही कोई नहीं है, जैसा कि जनाब मूसा अलैहि सलाम फिरौन का वाकया मौजूद है कि जनाब हज़रत मूसा ने उसे जब ज़कात का मामला पेश आया उसने इनकार कर दिया। इसी तरह शदाद का वाकया भी मौजूद है तारीख इस्लाम में, उसे ज़कात का मांगा गया तो उसने इनकार कर दिया। और इस तरह जनाब हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला अन्हु खलीफा अव्वल जानशीन मुस्तफा सरे पैगंबर
جناب حضرت عبداللہ بن ابی قحافہ المعروف جناب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی خلافت میں بے شمار لوگوں نے زکات کے دینے سے انکار کر دیا, جن کو معنی ہے زکات کہا جاتا ہے. تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا میں تلوار کے زور پر ان سے زکات وصول کروں گا. جناب حضرت عمر ابن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ حضرت ابو بکر کو کہنے لگے اتنی سخت کیوں کی جا رہی ہے؟ تو جناب حضرت خلیفہ اول جانشین پیغمبر نے کہا کہ جو بندہ زکات کے طور پہ رسول اللہ کی بارگاہ میں ایک رسی بھی پیش کرتا تھا میں وہ بھی وصول کروں گا, وہ بھی چھوڑی نہیں جا سکتی. جہاں اسلامی خلافت ہو, جہاں اسلامی نظام ہو, وہاں پہ یہ چیزیں لاگو ہوگی, وہاں پہ ضرور ادا کی جائیں گی. بہرحال اس کی دو تقسیم ہوں گی. پہلی یہ کہ ایک بندہ اس کو فرض سمجھتا ہے لیکن ادا نہیں کرتا, اس کو فقہا نے فاسد قرار دیا ہے. فرضیت سمجھتا ہے کہ ہے یہ فرض, دینے کے قابل بھی ہے, زمین بھی اس کے پاس موجود ہے, زمین کی ملکیت بھی اس کے پاس موجود ہے, زمین سے پیداوار بھی وصول کر رہا ہے. جہاں میں تھوڑا سا اس کو کھولنا چاہوں گا, ایک بندہ صرف زمیندار ہے, صرف اس کے پاس زمین موجود ہے لیکن اس زمین سے پیداوار وصول نہیں ہو رہی. زمین بنجر پڑی ہے, صحرائی ہے, ریگستانی ہے, یا اس پر کاشتکاری نہیں کی گئی, یا کسی بھی دیگر معاملے کی وجہ سے وہ زمین ہے بنجر پڑی ہوئی ہے, اس کو کاشتکاری کی نہیں گئی, وہاں سے فصل پیداوار نہیں حاصل کی گئی, تو ایسی زمین پر اشر لاگو نہیں ہوتا. ایسی زمین پر قطع اشر لاگو نہیں, اشر لاگو ہوگا جو پیداوار آپ وصول کر رہے ہیں, جتنی بھی پیداوار آپ وصول کر رہے ہیں اس پر اشر واجب ہوگا. اس سے آگے قبلہ مفتی صاحب نے ایک بات کی, مفتی مہتاب جلالی صاحب نے, میں ان کی بات کو تھوڑا سا آگے لے کے چلوں گا. مفتی صاحب نے ایک ہنٹ دیا کہ مدارس کے متعلق کیا انہیں یہ زکات اور اشر دیا جا سکتا ہے تو یا نہیں دیا جا سکتا. ایسے مدارس بھی آج کل ہمارے ہاں موجود ہیں جو نئے طرز پہ بنائے جا رہے ہیں, جن کو ایک نیا ڈھنگ دیا جا رہا ہے, جدید تعلیمی نصاب کے ساتھ مدارس کو ہیں, دینی درسگاہیں, لیکن وہ باقاعدہ طور پر بچوں سے فیس وصول کرتے ہیں. ایسے کئی مدارس موجود ہیں, میں ذاتی طور پہ جانتا ہوں, تو ایسے کئی مدارس موجود ہیں جو ہیں دینی درسگاہیں لیکن وہ بچوں سے باقاعدہ فیس وصول کرتے ہیں, باقاعدہ فیس لے کر کے بچوں کو پڑھاتے ہیں. اگر کوئی ایسی دینی درسگاہ ہے جو بچوں سے فیس لے کر کے انہیں تعلیم دیتی ہے, تو اس درسگاہ کو جو ہے یہ اشر اور زکات نہیں دیا جا سکتا, کیونکہ اس کا مصرف جو ہے, اس کا صرف جو ہے وہ یہ ہے کہ غرباء و مساکین کو دیا جائے, ابن سبیل کو دیا جائے, فقراء کو دیا جائے. جب ایک بچہ ایک فیس دے کر کے تعلیم حاصل کر رہا تو وہ اپنے واجبات ادا کر رہا ہے, اب اس ادارے کے اوپر زکات یا اشر یا صدقات دینا جائز یا درست نہ ہوگا. ہاں البتہ وہ مدارس یا وہ درسگاہیں یا وہ اسکول آف آرٹ جو فی سبیل اللہ رضائے خدا اور اس کے رسول کے لیے کام کریں, ان کو بہرحال دیا جا سکتا ہے. یہ ایک سوال میں ذرا واضح کر دینا چاہتا تھا. اس زمن میں بات یہ ہے صاحب, میں ایک سوال کوسچن بنتا ہے وہ کرتا چلوں کہ وہ مدارس جو فیس لے کر بچوں کو پڑھا رہے ہیں لیکن آپ نے اسی درس کے اندر, اسی مدرسہ کے اندر انہوں نے ایک لمٹ رکھی ہوئی ہے کہ کچھ بچے ہیں وہ بغیر فیس کے پڑھتے ہیں, وہ ان کی فیس جو ہے وہ ان عطیات اور صدقات کی طرف سے پوری کر دیتے ہیں جو لوگ ان کو دے دیتے ہیں, کیا اس بات پہ یہ جائز ہے؟ جی بالکل جائز ہے. اگر ایسی کوئی لیمٹ انہوں نے رکھی ہے کہ یہاں پہ ہمارے یہاں کچھ غرباء و مساکین بچے پڑھتے ہیں, مستحقین طلباء پڑھتے ہیں, تو ان کے اوپر اس کو خرچ کرنا 100% جائز ہے, 100% جائز ہے اگر ایسا کوئی معاملہ پیش آتا ہے. تو اس سے آگے چل کے ہم زمین کی تقسیم کے بعد بات کر رہے تھے, زمین ہے دو قسم کی. زمین کو جب ہم رشتے داروں میں تقسیم کریں گے, مثال کے طور پر آپ ایک ذمہ دار فیملی سے تعلق رکھتے ہیں, میں بھی چھوٹی موٹی کاشتکاری کرتا ہوں, جانتا ہوں اس معاملے کو. ہمارے یہاں پنجاب کے اندر یا ذمہ دار کلچر کے اندر زمین کو کئی طوروں سے عمل ملایا جاتا ہے, کچھ استعمال ملایا جاتا ہے. پہلا یہ کہ بندہ خود کاشتکاری کرتا ہے بذات خود, اس کا حکم کیا ہے. دوسرا یہ ہے کہ بندہ اپنی زمین حصے داری پہ دیتا ہے, اس کا حکم کیا ہے. تیسرا یہ ہے کہ زمین میری ہے, میں ٹھیکے پر اس کو دیتا ہوں, رینٹ پہ اس کو دیتا ہوں, اس کا حکم کیا ہے. تو یہ تین چار چیزیں جزوی چیزیں ہیں جو میں آپ کے سوال کے ذمن میں عرض کرنا چاہتا ہوں. پہلی بات تو یہ ہے, اگر زمین میری اپنی ملکیت میں اور میں خود اس کو کاشت کر رہا ہوں تو اس کا پیداوار کا دسواں حصہ اللہ اس کے رسول کے حکم پر ادا کرنا ہوگا, یہ اشر ہے. اگر زمین میں میں حصے دار ہوں, ایک حصے دار ہیں, دو حصے دار ہیں, دس حصے دار ہیں, جتنے حصے دار ہوں گے اس کاشتکاری میں,
तो पैदावार से हासिल होने वाली जो भी आमदनी आपको मिलेगी, जो भी पैदावार हासिल होगी, तो तमाम हिस्सेदारों पर वो बराबर तकसीम होगी, तमाम हिस्सेदार उसको बराबर अदा करेंगे, जितना जितने उनके पास वैल्यू आएगी वो सारे के सारे उसको अदा करेंगे। तीसरी चीज है ठेके पर जमीन देना, ठेके पर जमीन देना, जमीन आपकी है तो आप मुझे ठेके पर दे रहे हैं, अब जो बंदा जमीन ठेके पर ले रहा है तो पैदावार वही वसूल कर रहा है, आप उसकी फर्जियत जो है वो आज नहीं होगी, वो जो बंदा जो भी बंदा जमीन से पैदावार हासिल करता है फर्जियत उस पर लागू होगी, ठेकेदार पर या रेंट पर लेने वाला उस पर उसकी फर्जियत लाजिम नहीं आएगी। इसकी तफसील अगर आप देखना चाहें तो हमारे यहाँ बहुत बड़े फकीह हजरत अल्लामा शम्सुल्लाइमा अल्लामा सरकसी की किताब है, बहुत ही मशहूर मारूफ किताब है अल मसूद, उसमें आप इसकी तफसील देख सकते हैं। अल्लामा सरकसी फरमाते हैं मसूद के अंदर कि जो बंदा जमीन से पैदावार हासिल करेगा वही उसे अदा करेगा। और इसके जमन में कुछ और करूंगा, उसी जलाली साहब ने बात की है कि कुछ उशर और ज़कात में कुछ फर्क है, तो बिल्कुल ऐसा ही है, उशर और ज़कात में कुछ फर्क है। ज़कात के लिए सबसे पहली बात यह है कि आप साहिब निसाब हो, जबकि उशर के लिए ऐसी कोई शर्त नहीं। ज़कात के लिए ये लाजिम है कि उसके लिए फलाने और दो साल का गुजर जाए, आपके पास जो प्रॉपर्टी आपकी वैल्यूएबल है, आपके जरूरियात माल है और वो हद निसाब को पहुंचता है, उसके लिए हौलाने हौल यानी कि साल की ड्यूरेशन का गुजरना भी, पीरियड ऑफ ईयर्स का होना भी, वो भी काउंट किया जाता है, जबकि निसाब जो उशर है वो भी जरूरी नहीं है। आप एक साल में चार फसलें अगर उठाते हैं तो चारों पे उशर लाजिम आएगा, जबकि ज़कात साल में एक दफा होगी। अगर आप साल में चार शाह साहब बहुत मेहरबानी शुक्रिया, मैं इसी सवाल को लेकर अभी जाता हूँ मुफ्ती मेहताब जलाली साहब के पास। मुफ्ती मेहताब हुसैन जलाली साहब, आप ये बता दें कि जिस तरह ज़कात साल में एक बार अदा की जाती है, इसी तरह क्या उशर भी साल में या साल बाद अदा किया जाता है, या इसके अदा करने का कोई और तरीका कार है, जरा ये अगर आप बयान कर दें तो आसानी होगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जनाब इज्जत माफ साहब, ज़कात और उशर के दरमियान फ़र्क है कि ज़कात अदा करने के लिए एक तो यह है कि जो बंदा अदा कर रहा है वो आकिल है, बालिग है, समझदार है, वो ज़कात उस पर वाजिब है। और दूसरी बात यह है कि होलाने होल जब मुकम्मल हो जाए उसके बाद फिर वो ज़कात की अदायगी करेगा। लेकिन उसके अपोजिट उशर है कि उशर वाजिब होने के लिए या उशर की अदायगी के लिए ये शर्त नहीं कि बंदा आकिल हो, बालिग हो या साल गुजरने के लिए वो इंतज़ार करेगा, बल्कि नहीं, वो आकिल होना भी शर्त नहीं, बालिग होना भी शर्त नहीं, अगरचे मजनू हो ना बालिग हो उसकी ज़मीन में से भी कुछ फसल अगर उग आती है तो उसका भी उशर अदा करना उस पर लाजिम है। और अगर ऐसी सूरत है कि ज़कात के एतबार से ये है कि अगर बंदा फोत हो जाता है तो वो अगर होलाने होल भी नहीं हुआ तो वो उससे साकित हो जाती है, लेकिन उशर का ये मामला है कि जैसे ही आपके पास फसल आई तो वो आपने उससे उशर अदा करना है, जिस पर उशर वाजिब था क्या हुआ, वो फोत हो गया। कब फोत हुआ कि पैदावार भी उसके पास मौजूद है, तो अब क्या उससे उशर लिया जाएगा या नहीं लिया जाएगा। तो इसके एतबार से मुहक्किकीन और इमाम आज़म अबू हनीफा अलैहि रहमा ने ये जो जुज़िया बयान फरमाया वो फरमाया कि ऐसा बंदा है जिसके पास उशर माल मौजूद है सारा, तो वो अपने माल से उशर अदा करेगा और उस पर लाजिम है। हाँ, अगर फौत हो गया है और उसका माल मौजूद है तो पीछे से जो उसके वरसा हैं उनसे उसकी जो फसल है उससे उशर लिया जाएगा। इसी तरह फरमाते हैं कि ज़कात में और उशर में ये फर्क है कि ज़कात का एतबार इस एतबार से दिया जाएगा कि 5.5 तोले सोना चांदी या 7.5 तोले सोना या इसके एतबार से बंदे के पास रकम मौजूद हो तो उस पर ज़कात वाजिब होगी। लेकिन उसके अपोजिट उशर है कि इसके एतबार से कोई निसाब की फर्जियत नहीं है, इतना निसाब होगा तो उशर वाजिब होगा। अगर बंदे के पास एक सा भी फसल का आ जाए तो उस पर उशर देना लाजिम है, चाहे वो किस हालत में भी हो। और उशर अदा करने के लिए ये नहीं कि इतने हमारे पास
गंदम आएगी तो हम उशर अदा करेंगे, सब्जियां आएंगी तो उनका उशर नहीं अदा करेंगे, इसी तरह फल आएंगे तो उनका उशर अदा नहीं करेंगे, इसी तरह कमाल आएगा तो उसका उशर अदा नहीं करेंगे। नहीं, ये तमाम ऐसी चीजें हैं, चाहे बंदे के पास फल आ जाए, बंदे के पास सब्जियां आ जाए, बंदे के पास गंदम आ जाए, बाजरा आ जाए, मकई आ जाए, कोई भी फसल बंदे के पास आ जाए तो उन तमाम फसल में ये उशर अदा करना बंदे पर लाजिम हो जाता है। लेकिन आगे जो अलामा साहब बयान फरमा रहे थे, मुश्तरका जमीन है तो उसका भी आपने ये हुक्म बयान फरमा दिया कि मुश्तरका जमीन है तो दो बंदों के पास है और आपस के अंदर मामलात तय पा चुके हैं कि आपने इतनी फसल रखनी है, मैंने इतनी फसल आपसे लेनी है, तो उस एतबार से दोनों अपनी अपनी फसल के एतबार से उशर अदा करेंगे। इसी तरह अगर फसल खुद ना बोई हो, किसी ने बोई हो, तो वो जिसने बोई है अगर उसी के पास ही सारी ये फसल जाती है तो वो सारी फसल में से वो बंदा ही बोने वाला ही ये उशर अदा करेगा। माशाल्लाह माशाल्लाह जी, जज़ाकअल्लाह मुफ्ती साहब। अब मैं जा रहा हूँ जनाब चेयरमैन पाकिस्तान पब्लिक इंटरेस्ट और चेयरमैन पाकिस्तान ओवरसीज इंटरेस्ट के जनाब नासिर अब्बास तारक साहब की तरफ, वो हमारे साथ ऑनलाइन है। नासिर अब्बास तारक साहब, आप एक मूवमेंट के बारे में, ये तहरीक के लोगों में उशर की अदायगी का शौर पैदा किया जाए, जो लोग एक मुसलमान होने के नाते बावजूद इसके कि वो मुसलमान है, वो अपनी फसलें उगा रहे हैं, वो पानी से उगा रहे हैं, बारिश से उगा रहे हैं, सैलाब में हैं, किसानों में, लेकिन वो उशर अदा नहीं किया जा रहा। मैं आपसे ये दरख्वास्त करूंगा कि क्या ये उशर की अदायगी जो है बच्चों की तारीफ बच्चे शादी के लिए हर किस्म की किस्मत में भी ये जो आपने अपने माइक को म्यूट शायद नासिर अब्बास तारक साहब मेरी आवाज नहीं सुन पा रहे। तारक साहब आप मेरी आवाज सुन नासिर अब्बास तारक साहब मेरी आवाज नहीं सुन पा रहे, तो मैं चाहता हूँ आप